अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हो हमारा चैनल फातिमा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी व्लॉग स्टार्ट किया है यार, आज एक बुरी खबर है। मुझे सुबह से कॉल आ रही थी लेकिन मैं सोया हुआ था, तो अभी वो जो यहाँ पे आदमी सोता है ना, उसने मुझे कॉल की थी, तो मैं फिर जल्दी जल्दी से भाग के आया हूँ यहाँ पर। तो आपको बताते हैं कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है यहाँ पर हवेली में, मिनी जू जो हमने बनाया हुआ था यहाँ। तो चलें चल के आपको डिटेल बताते हैं क्या हुआ है। फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पे आया नहीं था, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है यहाँ पे मैं नहीं आया हवेली में। तो ये एक छोटी सी गाय और लेके आए थे, ये वाली ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटी सी गाय है ये, और साथ में ये इसका बच्चा बंधा हुआ है। और यार हवेली में ना जो चोरी हो गई हमारी गाय एक, वो कैसे चोरी हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो ये देखें, ये वाली वो गाय है, यहाँ पे जो हमारी गाय बंदी होती थी ना, यहाँ पे इस किले के साथ रात को बंदी हुई थी यहाँ पे गाय। वो गाय हमारी बहुत अच्छी थी, तकरीबन 4-5 ही दिन हुए थे लाए थे, एक बच्चा था उसके साथ और 20 लीटर दूध था उसके नीचे। वो जो चारपाई आप देख रहे हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई थी रात को ना, यहाँ पर सोया हुआ था बंदा हमारा। तो वहाँ से वो दरवाज़ा लगा हुआ है जी, ये वाला ये गेट लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये गेट लगा है, इस गेट के वहाँ ऊपर वो जो जगह बनी हुई ना, वो वहाँ से फ्लांग के ना वो 2-3 बंदे वो जो नीचे आए हैं और उन्होंने आके वहाँ पे उसको उठाया, उठा के तो ये जो अंदर कमरा है ना, इसके अंदर मैं आपको ये कमरे में बंद करके ना मोबाइल से लॉक लगा के, तो वो उन्होंने वहाँ पर और किसी सारे जानवर अभी खड़े हुए हैं इधर, ये बकरे भी बंधे हुए हैं कुर्बानी वाले, ये देखें ये सारे जानवर इधर बंधे हैं, ये भी बंधे हुए हैं। ये तो सुनने वाली है ना हमारी बड़ी भैंस, तो ये बछड़ा भी इधर बंधा है, वो छोटी भी उधर बंधी हुई है। इन लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जो गाय थी हमारी बड़ी जो अच्छा दूध देती थी वो वहाँ पर बंधी हुई थी, उस बंदे को उन्होंने उठाया वहाँ से, उसको बंद किया और यहाँ से गाय लेकर वो दरवाज़ा खोल कर यहाँ से वो चले गए। तो अब FIR तो उन्होंने बनवा ली है, तो अब पता नहीं वो कौन थे, और नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है। 4.5 लाख की गाय हमने ली थी, क्योंकि उसके नीचे दूध अच्छा था, दूध के लिए वो हमने ली थी। तो अभी मैं तो एक हफ़्ते से यहाँ पे आया नहीं था हवेली में यार, ये बहुत ही ना सीरियस किस्म का नुकसान हो गया है। तो दुआ करें कि अल्लाह करे वो गाय हमारी मिल जाए किसी तरीके से, तो हमारा मिनी जू की जो रौनक है ना, वो हमारी एक बुनियादी ज़रूरत थी। वो हुए मुझे मारने लगी थी, वो हमारी एक बुनियादी ज़रूरत थी यार, वो जो चली गई है, चोरी हो गई है इस दरवाज़े से ना, यहाँ से वो लेकर चले गए। तो परेशानी वाली बात है काफ़ी, क्योंकि एक हफ़्ते से मैं यहाँ पे आया भी नहीं था, व्लॉग भी नहीं बनाया, और दूसरी बात आपके साथ नुकसान मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये हमारा टिंकू फिर रहा है, ये टिंकू फिर रहा है, और दूसरा नुकसान क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे पहले हमारा ये पिंजरा बड़ा होता था कबूतरों का, ये कबूतर पिंजरा बड़ा है, ये सुराख आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला सुराख, यहाँ पर ये सुराख है, इधर से वो बिल्ला आया, बड़ा बड़ा बिल्ला यहाँ पे फिरता होता था, वो आया उसने यहाँ से इसको जाली को फाड़ के 3 कबूतरों को तो उसने मार दिया है। एक जो था उसको वो खा गया, साबत ही खा गया वो, एक पहले उसने मार दिया था, 2 हमारे पहले मर गए थे, जो बच्चे निकले थे वो भी मर गए। वो दूसरा नुकसान हमारा ये, काफ़ी ज़्यादा रौनक थी यार इनके साथ ना हवेली में, तो पता नहीं मेरे ना आने से ये पीछे क्या हुआ क्या नहीं, कोई समझ नहीं लग रही यार। दुआ करें कि वो गाय भी हमारी मिल जाए। और ये एक टिंकू ये फिर रहा है, टिंकी तो वो उधर कमरे में अंदर बैठी हुई अंडे के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपके सामने सिचुएशन, दुआ करें कि हमारी यार गाय मिल जाए और जिसने चोरी की है वो भी पकड़े जाएं। तो इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ गो रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।